सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। नाम क्या भैया आपका? अनुवास सिंह। ये आग लगी उस समय आप कहाँ थे? आग लगी जब हम गांव बस्ती में थे, जो परवाह है जिस सिद्धपरा है। ठीक। जब गांव में सूचना पहुंची तब गांव वाले भागे। जब भागे जब 100 नंबर को फोन लगाओ तो 100 नंबर ने रिसीव नहीं किया। अच्छा। तब 10 क्षेत्र पे हमने सूचना दी, जला पूरा मकान जल चुके थे, भारी नुकसान हो चुका। तो फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी थी? फायर ब्रिगेड का सूचना दी, उन्हें काफ़ी देर हो चुकी, जलक आगे में जलक मकान जल के सामान रखो। ठीक। नाम क्या है तुम्हारा? मानवेन सिंह पटेल बेर भाई। अच्छा जी, ये तुम्हारे घर में जो आग लगी, हाँ। बता रहे हैं कि पहला घर से तुम्हारे घर से स्टार्ट आग हुई थी। हाँ, हमारे घर से। तो ये कैसी लगी? हमें पता नहीं, हम ट्रैक्टर चला रहे थे, खाना हम लोगों का उधर बनता नहीं है, उधर भूसा रखा, उसमें साल के लान बीज के लान नाज आज रख दो, तो वो एक पाइप वाइप रख दे, और खाना हम लोगों को नीचे बना देते, और खाना की राग जो आ गई। कमरों के अंदर क्या था? कमरों के अंदर नाच पानी था, वो पाई पाई वगैरह भूसा था, कंडी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो घर में आग कैसे पहुंची? पता नहीं सर कैसे लग गई आग। तो आपने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया? सर पूरा गांव, जब हम सब लोग बाहर रहते तो हम आगे हमें फोन आओ तो हम ट्रैक्टर लेके आए, पूरा गांव दौड़ा हमारे पीछे, कहाँ जा रहा, देखा आग लगी, बुझाने का प्रयास पूरे गाँव, पानी कंट्रोल नहीं। लगभग कितना नुकसान हो गया तुम्हारा? हमारा सर, हमारे 6-7 क्विंटल नाच, तो हमारे भैया के चनाना जो कछु नारे हैंगे तो उनकी उनसे पता चले। और पाइप पैक कितने थे? पाइप 35 पाइप थे, वो नहीं गया थे भैया के। नाम क्या भैया आपका? अजय जी। आग लगी, ये कैसी लगी आपको, है कुछ जानकारी है? नहीं, बगल वाले की लगी आग, गुल जाएगी। अच्छा अच्छा। उनके मकान में आग लगी, हम अपने से मूँगफली पकड़ रहे। ठीक। बेच लिया भगत, बोले भैया हमारे घर में आग लगी, तो हमने अपने से सब पानी की बाल्टी ले लेकर बुझाने लगे, हवा तेज हो गई, सोते मान लीजिए आग हमारे एक घर में पकी, एक के बाद हमारे दूसरी घर में पकी, बस फिर वही में बीती रहेगी, तो हम ऊपर नाच पानी भी रखो, 20% नाच चीज बसत भी रखी, तो आपका जल गया सब? सब जल। आपका ऊपर रखो ना, हम देखा पा रहे कछु का कसर रहेगी, वो का रहेगा। लगभग कितने का अंदाज है कि कितने का नुकसान? नाच पानी दे सो मान लीजिए, हम मान लीजिए पूरा बीज भात हो, वो पूरा साल के खावे का, मतलब अभी कुछ नहीं बचा। तो अब क्या क्या मतलब क्या प्रशासन से क्या? जो प्रशासन, अब हम का कह रहे हैं, जो प्रशासन सब गाँव वाले देख रहे हैं, मक्के लिए है भूसा बंदो कंडा न कच्चा कुछ का बचो, आप तो खुद मौजूदी में ठाणे ठान छप्पा है मकान, तो सब चलो ही भूसा भी दाओ, वही में तो दाओ तो दाओ। लॉकडाउन में नाच पानी नहीं बेच पा, कहाँ बेच पा, कुछ नहीं रखो सब, मतलब जितनी हमारे पास व्यवस्था थी साल भर के लाने पूरी व्यवस्था सब सारी जल चुकी है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।